त्योहारी सीजन के इस खास अवसर पर स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस के दिवाली स्पेशल एपिसोड में मैं हूं दीपक यादव दिवाली त्यौहार है देवी लक्ष्मी का समृद्धि का प्रगति का उन्नति का और प्रकाश का घर कोई छोटा मोटा फैसला नहीं होता है लोग अपने जीवन भर की पूंजी इसमें लगा देते हैं तब कहीं जाकर उन्हें चार दीवारी एक छत नसीब होती है एक भावनात्मक निर्णय होता है जिसमें घर की लक्ष्मी का भी बड़ा योगदान होता है मकान खरीदने से लेकर उसे घर बनाने तक इस शुभ अवसर पर हर कोई अपने जीवन में कुछ नया जोड़ना चाहता है लंबे समय से प्रथा रही है कि लोग इस दौरान या तो घर खरीदते हैं या फिर गृह प्रवेश करते हैं यही कारण है कि नवरात्रि में हमने देखा कि तीन से ग्यारह अक्टूबर के बीच मुंबई में पांच घरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है जो कि बीते साल के मुकाबले तेरह फीसदी अधिक ग्रोथ है अगर हम ओवरऑल एमएमआर की बात करें तो डेटा और ज्यादा बढ़ जाएगा हालांकि मुंबई में हर महीने औसत दस हजार से अधिक घरों का रजिस्ट्रेशन होता है लेकिन त्योहारी सीजन सबसे खास होता है तो जानने की कोशिश करेंगे कि रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए यह त्योहारी सीजन कैसा है क्या नया ट्रेंड है प्रॉपर्टी मार्केट में किस तरह के ऑफर्स दिए जा रहे हैं और आपको बता दें कि आज का शो इसलिए भी खास है क्योंकि आज हमारा जो पैनल है वो नारी शक्ति हो गया है क्योंकि हमारे साथ रियलिटी सेक्टर की नारी शक्ति मौजूद हैं हमारे साथ हैं श्रद्धा गुराडिया डायरेक्टर दोस्ती रियलिटी हमारे साथ हैं श्रद्धा के अग्रवाल डायरेक्टर ट्रांसकॉन और हमारे साथ हैं सृष्टि आनंद मेहता चीफ एडवाइज़र पैराडाइम रियल्टी बहुत स्वागत है आपका श्रद्धा जी श्रद्धा जी और सृष्टि जी सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि ये जो ट्रेंड हमने देखा है हर बार की तरह से बदलता रहता है त्यौहारी सीजन में लोग कुछ ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं तो शुरुआत में चाहूंगा श्रद्धा जी आपसे करें किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है दोस्ती रियलिटी आपने इस बार इस फेस्टिव सीजन में किस तरह के ऑफर्स दिए हैं कैसा रिस्पॉन्स कंज्यूमर्स की तरफ से आ रहा है जनरली हर त्योहारों का रिस्पॉन्स एक्सलेंट होता है आई I मीन mean... a festival is the most auspicious time for a customer to buy a house and uh, historically also it has been proven that people do wait for mainly festivals like navratri and diwali to buy a house and um, at the same time while home buyers being a sellers market especially in the, since the past couple of years it's been completely a sellers market hmm. um home buyers are even awaiting very good deals and discounts from developers and

और आई थिंक सारी कंपनीज का यही रहता है hmm. या ये जो hmm. कस्टमर्स है काफी न्यू बायर्स हैं, काफी जिनकी फैमिलीज बड़ी हो रही है शुभ पीरियड है सबसे अच्छा माना जाता है लक्ष्मी जी है सेल्स आर थ्रू द रूफ साल की लगभग आई थिंक तीस से पैंतीस परसेंट सेल इसी क्वार्टर में होती है हाँ और अगर आप देखें तो इस साल वैसे भी काफी सेल्स हाई रही है जैसे ये साल में अगर आप कंपेयर करें लास्ट पाँच साल से बारह टका ज्यादा रजिस्ट्रेशन ये साल के पहले नौ महीने में हुई है okay. तो दिवाली तो धमाकेदारी होगी एंड yeah. सब वेट करते हैं सेंटीमेंट रहता है हमारी कंपनी का सेल्स वालों का हमारे चैनल पार्टनर्स का बैंकिंग पार्टनर्स सबको चाहिए कि जो भी घर ले खुशी से ले उनका सपना पूरा हो तो फेस्टिव पीरियड है अच्छा ही रहता है सृष्टि जी मेरा आपसे सवाल ये था कि पिछले फेस्टिव सीजन के मुकाबले इस बार आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है सो इस बार एज ए सट ओ एंड क्वार्टर इज ऑलवेज अ फैबुलस क्वार्टर मोस्ट ऑफ़ द लॉन्चेज यही क्वार्टर में स्लेटेड रहते हैं रीजन बीइंग आपको दशहरा एज वेल एज धनतेरस दोनों का ही एक यू नो फेस्टिव माहौल मिलता है एंड देयर इज ऑल्सो दैट सिक्सटीन डेज का पितृपक्ष का एक uh, सक्शन हो जाता है जहाँ पे कि ट्रांजेक्शन लिटरेली नहीं होते विजिट hmm. भी बहुत ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं सो so, जो हमने नोटिस किया है कि ऑफकोर्स द वॉक इन नंबर हैव स्पाइक टॉट एंड वी आर एंटीसिपेटिंग गुड वॉल्यूम ग्रोथ ये अक्टूबर लास्ट ईयर जैसे मुंबई मार्केट ने पूरे साल में एक लाख करोड़ किया था वी ये जो जून के मंथ में एक रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट हो चुका है और ये साल का एंटीसिपेशन है नंबर

प्रफर कर रहे हैं ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं सो आईडियली बडी इज लुकिंग टू बाई अ रियल इस्टेट प्रोडक्ट और लाइक होम विच इज डेफिनेटली सब लोगों का सपना होता है ना कि इस लाइफ टाइम में एक तो घर लेना ही चाहिए देर आर थ्री मेन कॉन्सेप्ट पीपल लुकर अमेनिटीज पीपल लुक आर लोकेशन एंड पीपल लुक एन द साइज ऑफ द फ्लैट और अभी जो ट्रेंड आ रहा है मिड साइज होम्स आ रहे हैं पहले कोविड कोविड टाइम पे थोड़े छोटे हाउसेस थे फिर इट काइंड ऑफ दिस इंक्रीज लिटिल इन टू लाइक मेड लिविंग एंड टूडे आई कैन से सेट पीपल आर कस्टमर्स आर लुकिंग एट लार्जर होम्स स्लाइटली लार्जर होम्स कंपेरिटिवली

की डिमांड आई आ गई है और वो भी बहुत ही अच्छा चल रहा है एंड okay. इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है आपको हम शॉ वी आर ऑल वेरी अवेयर ऑन द अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट्स बीन ऑल अराउंड द कंट्री द कोस्टल रोड हैज ऑल्सो गिवन अ वेरी गुड राइस टू द प्राइस एट द सेम टाइम द नावा शिवा रोड दायो इंफ्रास्ट्रक्चर इन द थाने कल्याण भिवंडी बेल्ट एंड इन द वसाई बोरिवली बेल्ट हैज ऑल्सो गिविन अ वेरी गुड Just a very good rise to, like, you know, okay. real estate housing in general. So, people have even at the same time, along with buying a house, people are looking at even buying cars for themselves. And at the same time, they are even looking at living based on the metro lines also. Okay. So, a lot of these things do add up to the premium of a product. And um, I can say that the trend currently is increasing day by day, prices are also rising. at the same time it is a buyers market too and um uh, developers are also in a very good state of mind to like you know go all out in selling their homes तो दो, दोनों तरफ से हम देखते हैं कि फेस्टिव सीजन का इंतजार दोनों को होता है डेवलपर्स को भी होता है होम बायर्स को Absolutely. भी होता है बिकॉज़ अच्छे ऑफर्स होते हैं और श्रद्धा जी आपसे मैं ऑफर्स समझना चाहूंगा इस बार मार्केट में किस तरह के ऑफर्स हम देख पा रहे हैं बिकॉज़ अगर हम दिवाली को हटा भी दें तो पिछले तीन चार साल में हमने बहुत अच्छा सेल देखा हाँ। है और लग्जरी की तो खैर क्या ही बात करनी लग्जरी तो अपने आप में कुछ अलग ही कर रहा है तो अगर हम ऑफर्स को इसमें क्लब करने की कोशिश करें तो इस बार फेस्टिव सीजन में किस तरह के ऑफर्स निकल क्या so, के आए सो इस टाइम जैसे ट्रांसकॉन के यहाँ हम लोग सोच रहे थे कुछ ऐसा ऑफर निकाले जो मार्केट में एक्सेप्टेबल भी हो एंड हमने ट्राई किया कि जो अभी जैसे होम लोन्स है जो भी आज मोस्ट हाउसेज हम देखते हैं ड्यूअल इनकम हाउसेज है नारी शक्ति की बात की अपने वैसे ही डिसीजन मेकर्स भी वीमेन है आज को एप्लीकेंट भी वीमेन है सो so, जो होम लोन्स है उसमें अभी जैसे आपकी ई है लगभग आप सोचिए अगर आप ढाई से तीन करोड़ का फ्लैट ले रहे हैं तो वो जब आप लेंगे आपकी ई एम एक्स अमाउंट की आएगी उतना आपका महीने का खर्चा बढ़ गया आपका आउटफ्लो बढ़ गया और आप बंद जाते हैं Correct. तो हम इस टाइम ट्राई कर रहे हैं कि आ, आपकी जो ईएमआई है वो फिक्स्ड ईएमआई रहे चाहे वो पोजेशन हो या ओसी हो जो भी पहले आता है उसमें से तो अभी अगर आप बोल रहे हैं कि तीन करोड़ का टिकट साइज है तो हम उसका ई एम आई तीस हजार रुपये बांध देंगे ओके okay. एंड फिर आपका एटलीस्ट बाकी का आउटफ्लो आप इन्वेस्ट कर लीजिए उसका यू कैन सी योर मनी ग्रो तो ऑफर्स आ रहे हैं कस्टमर जैसे अभी मार्केट में काफ़ी सारे ऑफर्स चैनल पार्टनर्स और ब्रोकर्स को भी इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं बिकॉज सब साथ मिलके सेल करते हैं इवेंचुअली फिर काफी जन का ऑफर इस टाइम देखा है जिसमें डिस्काउंटेड रेट्स नहीं बोल के एडोन है जैसे इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ पैकेजेस कर लिए किसी लग्जरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ टाइप कर लिया तो ये प्रकार के काफी ऑफर्स मार्केट में आ रहे हैं जहां पे आप डिस्काउंट नहीं बोल के कन्वीनियंस एंड लग्जरी बढ़ा रहे हैं लाइफ स्टाइल की मतलब अच्छा बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं और उनको इजीली पेमेंट वो कर सके ऐसे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं सृश्री जी आपके पास आएंगे महाराष्ट्र में अगर हम देखते हैं तो महिलाओं के घर खरीदने पर उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है स्टैंड ड्यूटी की छूट मिलती है इस फेस्टिव सीजन में महिलाओं की भागीदारी कितनी ज़्यादा देखने को मिल रही है क्या आगे बढ़कर वो क्योंकि तो होम मेकर हैं उनका डिसीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेकिन जब उनके नाम प्रॉपर्टी हो जाती है तो थोड़ा सा फ़ायदा भी ज़्यादा हो जाता है तो महिलाएं कितना आगे आ रही हैं इस फेस्टिव सीज़न अपने घर के डिसीजंस में और उनके रजिस्ट्री के तौर पर अगर हम देखें तो सी एक्चुअली जो डेल्टा है स्टैम्प ड्यूटी का फॉर लेडीज फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे फाइव परसेंट पे एक वन परसेंट का इंसेंटिव मिलता है अगर आप हमारे प्रोजेक्ट्स की बात करें पैराडाइम रियलिटी की तो जितना हमारे यहाँ जो डेटा दिखता है कस्टमर्स जो फीमेल कस्टमर्स है जो सोलो ओनर्स है वो रेंज एक्चुअली बहुत बड़ा नहीं है वो सेवन टू एट परसेंट का रेंज होता है एंड

इवन uh, प्रॉपर्टी जो है एक फीमेल ओनर के नाम पे की जा सके जहाँ तक बैंक एलिजिबिलिटी बैठती है तो वो फिर एक हाउस होल्ड इनकम पे एज अ को ओनर ही बैठ पाती है uh, अगर सोलो ओनर एज अ लेडी ओनर रहना है तो उस केस में वही है थोड़ा मोर मेच्योर्ड ऑडियंस आपको देखने मिलता है एंड आई वुड ओनली अपील कि ये जो फेस्टिव सीजन में स्पेशली अगर यू नो गवर्नमेंट ये सब इंसेंटिव को थोड़ा और ल्यूकेटिव कर दे फीमेल बायर्स के लिए hmm. जैसे एक डिस्काउंट जैसे जो फाइव परसेंट है स्टैंप ड्यूटी उसको एक मे बी फॉर टू मंथ एक कुछ और बेनिफिट दे दे वहाँ पे तो ये सही में स्पाइक करेगा वॉल्यूम्स को बिल्कुल गवर्नमेंट से तो काफी लंबे समय से आप लोग मांग करते रहे हैं। को बहुत सारी मांग होती रहती है कि ये मिले वो मिले लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कुछ मिलता नहीं है लेकिन उसके बावजूद हम सेल्स बहुत अच्छी देखते हैं श्रद्धा जी आपसे मेरा सवाल ये होगा कि अभी हमने जो रिसेंटली ट्रेंड देखा है कि लग्जरी लग्जरी मार्केट बहुत बहुत तेजी तेजी से से बढ़ रहा है है डेवलपर्स का भी फोकस की तरफ गया हुआ अफोर्डेबल सेगमेंट थोड़ा कमजोर होता हुआ देखा। तो आप लोग किस तरह से आगे प्लानिंग कर रहे हैं किस तरह से आगे फ्यूचर की जो आपके प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं वो लग्जरी में ही होंगे या मिक्स होंगे या अफोर्डेबल की तरफ भी थोड़ा बहुत ध्यान है एक्चुअली हमारा एक पूरा मिक्सड मॉडल ही है एंड द वर्ड लग्जरी इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव वर्ड लग्जरी सबके लिए है अफोर्डेबल लोगों के लिए भी लग्जरी है लग्जरी आई मीन मिड सेगमेंट के लिए भी जो मिलता है लग्जरी है और अपर सेगमेंट के लिए भी सब कुछ लग्जरी होता है सो आई पर्सनली फील दैट हमारे तो मिक्सड हमारी दो टाउनशिप्स है मोर देन 150 फिफ्टी एकर्स के दोनों टाउनशिप्स है एक टाउनशिप पूरा अफोर्डेबल सेक्टर्स का है वहाँ पे भी आई मीन हर वीकेंड को 20 30 बुकिंग्स ऐसे ही आ जाते हैं मार्केटिंग के बिना मार्क ऑफर्स वेन डू हैव अ कैंपेन वेन वी डू हैव ऑफर्स गोइंग ऑन डेफिनेटली वी गेट लाइक ऑलमोस्ट हंड्रेड बुकिंग्स समटाइम्स इन लाइक टू वीक्स एंड दूसरा जो टाउनशिप है वहाँ का मिक्सड है पूरा अफोर्डेबल है मिड सेगमेंट प्रीमियम भी है और अपर लग्जरी भी है वहाँ पे वहाँ के भी सेल्स बहुत ही बढ़िया है ओवरऑल हर वीकेंड दस या बीस फ्लैट्स बिकते हैं uh, हमारे जो सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं वो सब प्रीमियम और अपर प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं उनके भी डिमांड्स बहुत ही अच्छे चा चल रहे हैं वन ऑफ द अदर रीजंस व्हाई द डिमांड्स आर गोइंग वेल आल्सो इज बिकॉज द प्रॉपर्टीज़ आर नियरिंग पोजेशन द परमिशन एंड सेंक्शंस आर कमिंग इन ऑन टाइम एंड ओवरऑल द होम लोन रेट्स एंड ऑल द अदर सेगमेंट्स आर प्लेइंग आउट वेरी वेल फ्राम प्राइसिंग परस्पेक्टिव हम city may eight new projects ke liye kisa. we are coming along with eight new projects in the city in the next two three years okay or those projects are going to be ranging from premium to mm. super high end projects mm. and at the same time Thane and beyond is going to be affordable and a mixture of them so okay. i don't want to categorize that only luxury is playing out very well i feel luxury is luxury for each and every person everything is <laughs> i mean you know hum

लगातार नीचे जाने की वजह से एक दूसरी तरफ टेंशन भी है कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फिर से बबल की तरफ बढ़ रहे हैं जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि लग्जरी में सारे डेवलपर्स का फोकस चला गया था हालांकि बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब पी की स्कीम लेकर आई तमाम तरह के फायदे दिए तो अफोर्डेबल हाउसिंग को सहारा मिला था लेकिन एक बार फिर वापस अफोर्डेबल हाउसिंग नीचे जा रहा है तो इसको देखते हुए आपका फोकस किधर है उधर भी है अफोर्डेबल की तरफ या बिल्कुल नहीं है सो एज अ ग्रुप एज ट्रांसकॉन हमारा फोकस मेनली लग्जरी पे है मिड मिड सेगमेंट भी है तो वी आर सिचुएटेड इन द वेस्टर्न सबर्ब्स अब जैसे अंधेरी बैंड्रा जहाँ मेरी लोकेशन है जिस टाइप की वहाँ पे मोस्टली मिड लग्जरी मिड सेगमेंट आएगा आई वॉन्ट से अफोर्डेबल बट एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि अफोर्डेबल की तरफ ध्यान नहीं है बिकॉज जैसे श्रद्धा ने भी बताया वो सेगमेंट भी चल रहा है साइड बाई साइड चल रहा है बस लग्जरी का थोड़ा ज्यादा है लोगों के सामने, सिल्वर बे, वहां पे टू के है। उसका प्राइस पॉइंट इतना स्वीट है कि आप बैंड्रा में है सीलिंग के बाजू में है बड़ा पाली हिल का प्राइस नहीं दे रहे हैं तो वो ना मैं उसको अफोर्डेबल बुलाना चाहूंगी ना मैं उसको मिड लग्जरी वो लग्जरी ही हुआ तो आई थिंक वो टर्म चेंज हो रहा है उसका यूज चेंज हो रहा है बट ध्यान सारे सेगमेंट्स पे रहता है डेफिनेटली जो आपके प्रोजेक्ट हैं जो लोकेशन है वो तो लग्जरी के अलावा कुछ आप बना भी हाँ, नहीं सकते हो हाँ. क्योंकि मजबूरी है और सारी चीजें डिपेंड करती हैं रियल एस्टेट में कि लोकेशन लोकेशन और लोकेशन जैसी लोकेशन है वैसी प्रॉपर्टी बनती है और इत्तेफाक से कि आपकी सारी प्रॉपर्टीज ही लग्जरी हैं तो क्या कर सकते हैं अच्छा ही है और भी प्रोजेक्ट हैं सृष्टि जी आपसे मेरा सवाल ये होगा कि अक्सर हम देखते हैं कि जो रियल स्टेट भारत में क्रिएट कर रहे हैं अभी कुछ दिन पहले नेटकॉन हुआ था हम वहाँ गए हमने वहाँ का जो डेवलपमेंट देखा और भी कंट्रीज़ में जिस तरह से रियल स्टेट बढ़ता है क्या हम उस तरह से बढ़ रहे हैं ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन इंफ्रा के साथ क्या हम मैच कर पा रहे हैं क्योंकि रियल स्टेट डेवलपर्स तो अपने लिए बहुत अच्छा कर देते हैं आप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं सारी चीजें अच्छी होती हैं लेकिन शायद उस तरह का आपको सपोर्ट uh, नहीं मिलता इंफ्रा की ओर से वैसी सड़कें नहीं मिलती हैं वैसे सीवर नहीं मिलते हैं वैसे ब्रिजेस uh, नहीं मिलते हैं मॉल पार्क नहीं मिलते हैं तो उसके साथ वो तो मर्ज नहीं हो पाता है प्रोजेक्ट आप लोगों का जो विजन है गवर्नमेंट का विजन कैसे मैच होगा किस तरह से आगे बढ़ेंगे सो आई थिंक गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा और आप देखिए कनेक्टिविटी वाइज आज जैसे कोस्टल रोड ले लिया या द सेतु लिंक ले लिया है यू एक्चुअली सी गवर्नमेंट स्पेंडिंग अ लॉट सिंस लास्ट फाइव सिक्स इयर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली बढ़ रहा है द रीजन वाई यू ओल्सो सी द वेल्दी पीपल इंक्रीजिंग इन बॉम्बे इज बिकॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिकमिंग सो पावरफुल आज टेक्निकली बॉम्बे एज अ सिटी हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ बिलेनियर्स इन इंडिया विच इज एज वर एज द लेटेस्ट रिपोर्ट सो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू दैट लेवल इंटरनेशनल लेवल एज डेवलपर वी ऑलवेज प्रोमिस कि हम आपको अच्छा स्पेस प्लानिंग गुड प्रोडक्ट एंड जो इंटरनेशनल काइंड ऑफ सैनिटरी वेयर है विंडोज हैं हम हमारे प्रोजेक्ट में सब कुछ हंड्रेड परसेंट कोशिश करते हैं वे इट कम्स टू जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन एंड अराउंड आई थिंक गवर्नमेंट इज बींग वेरी हेल्पफुल इस, so, इसी इसी के आगे एक और सवाल मैं लेना चाहूंगा जो घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत सारे ऑफर्स हैं लेकिन जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं उनके लिए किस तरह के ऑप्शन है क्योंकि इस बार हमने देखा कि पिछली दिवाली के मुकाबले इस दिवाली इन्वेस्टर भी काफी कुछ रियल स्टेट में एक्टिव मोड में दिखे हैं अब ऑप्शन भी बहुत सारे हैं रीट्स भी है एस एम रीट्स भी है आपके फ्रैक्शन ओनरशिप बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इस दिवाली अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो कहाँ इन्वेस्ट करने का सजेस्ट करेंगे सी डिपेंडिंग ऑन एक्चुअली आजकल तो ऐसा है कि कैपिटल गेन का भी जो एक है अगर आपको वो भी कहीं ना कहीं हेज करना है और आप एक हाई एंड इन्वेस्टर हो तो आई थिंक यू हैव बुके ऑफ ऑप्शन एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ जो टिपिकली स्मॉल साइज इन्वेस्टमेंट्स करते हैं करोड़ रुपए के प्रोडक्ट में समथिंग दर आर लॉर्ड ऑफ डेवलपर्स इंक्लूडिंग आज अच्छे पेमेंट प्लान्स लेके आए हैं इन्वेस्टर्स uh, uh, के लिए इन्वेस्टर फ्रेंडली बिल्कुल यानी यानी या अगर हम देखना चाहें तो ऑप्शन बहुत सारे हैं बाद चाहे घर खरीदने की हो बाद चाहे इन्वेस्ट करने की हो और इस फेस्टिव सीजन जो कि नौ दिनों में नवरात्रि के नौ दिनों में जिस तरह का रिएक्शन दिखा है उससे उम्मीद की जा रही है कि ये फेस्टिव सीजन रियल स्टेट डेवलपर्स के लिए बहुत शानदार होने वाला है फेस्टिव सीजन के बाद फिर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस बार कैसा रहा फेस्टिव सीजन हमारी शुभकामनाएं हैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें घर खरीदें खुश रहें मस्त रहें हमारे डेवलपर्स शानदार प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आप उनको शानदार तरीके से खरीदें और बेस्ट प्रॉपर्टी खरीदें हाँ सबसे बड़ी बात सबसे अहम बात जो हम हर बार कहते हैं कि, कि किसी ऐसी प्रॉपर्टी किसी ऐसे प्रोजेक्ट में ना फंसे जिससे आपको तकलीफ हो खूब ड्यू डिलीजेंस करें जांच पड़ताल करें उसके बाद ही कहीं पर निवेश करें बहुत शुक्रिया करेंगे श्रद्धा जी आपका भी श्रद्धा जी और शशि जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रॉपर्टी प्लस के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ